चलिए एक छोटी सी मिस्ट्री सॉल्व करेंगे नो आई बीन यूजिंग द वर्ड और एंड आप लोगों में से सोच रहे होंगे कब सब सेक्शन है कब क्लॉज है देखो सबसे पहली बात मेरा सेक्शन टू है ये एक नंबर है इसके बाद ब्रैकेट में वन लिखा है इसके बाद ब्रैकेट में ए है फिर लेट से बी है फिर लेट से सी है एक्चुअली मैं इसको टू सब सेक्शन वन क्लॉज ए बोलूं और आगे आ गया ऐसे तो सब क्लॉज वन हो गया बेसिकली आई एम क्रिएटिंग एन इंडेक्स अ नंबर सो एज टू रेफर टू इट जैसे हमारे फिजिकल वर्ल्ड में घरों के नंबर होते हैं फ्लैट के नंबर होते हैं नंबरिंग स्कीम्स है पर हां टेक्निकलिटी में धीरे धीरे एज यू मूव अहेड और एज यू मूव अप द लैडर द टेक्निकल टर्म्स विल नीड टू बी केयरफुली एड्रेस टू अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये टू के बाद इसको सब सेक्शन बोलना है या क्लॉज बोलना है ये धीरे धीरे रेलिवेंट होगा एज वी रीच मे बी सी ए फाइनल लेवल और देर आफ्टर तो आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आप समझ के चलो अगर सपोज सेक्शन टू है हमारा इनकम टैक्स में जिसमें आपको पता है टू सब सेक्शन वन में ही डिफाइन समथिंग कॉल्ड एडवांस टैक्स फिर वन ए में एग्रीकल्चरल इनकम है थर्टी वन में पर्सन है अब इसको मैं टू तो टेक्निकली गलत हो जाता क्योंकि किसी सेक्शन के अलग अलग पार्ट अगर को रिलेटेड नहीं है अलग अलग है इनका आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है then referred to as clauses. लेकिन अगर इन्हीं का आपस में correlation होगा अ पार्ट ऑफ द सेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द सेक्शन डिफाइनिंग डिफरेंट थिंग्स So, अगर हम देखें यहां पर इनकम टैक्स एक्ट विच डील फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ इच अदर एंड आर नॉट कोर सिमिलरली सेक्शन टेन में एक्समशन है टेन सबसे टेन क्लॉज वन बोलेंगे क्योंकि टेन वन में टेन टू ए में टेन टू बी में आपस में कोई

इट इज ओके इवन इफ यू रेफर टू सबसेक्शन दैट इज नॉट सच अजर इशू नाउ बेटा लेट एस नाउ मूव फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड कॉल्ड रेजिडेंशियल स्टेटस नाउ आई टोल्ड यू एवरी पर्सन अगर हम बात करें एवरी पर्सन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज डिवाइडेड इंटू अ रेजिडेंट और अन रेजिडेंट और हमने फर्क करा था सिटीजनशिप में नेशनैलिटी में और रेजिडेंशियल स्टेटस में और यह फर्क आप लोगों को दिमाग में क्लियरली रखना पड़ेगा रेजिडेंशियल स्टेटस के रूल्स इनकम टैक्स में सेक्शन सिक्स में दिए इसमें क्लॉज वन बात करता है इंडिविजुअल का देन देर आर रूल्स फॉर कंपनीज, रूल्स फॉर फर्म्स, रूल्स फॉर एओपी बीओआई एंड सो ऑन। तो इससे क्या फर्क पड़ता है इससे स्कोप ऑफ इनकम पे फर्क पड़ता है रेजिडेंट के हाथ में सारी इंडियन रिसीट्स और सारी फॉरन रिसीट्स अबल होती हैं टैक्सेबल नहीं बोला मैंने और नॉन रेजिडेंट के हाथ में इंडियन रिससेबल होती है नो दिस इज द रूल ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट इंडियन इनकम टैक्स एक्ट क्या दुनिया भर में यही रूल फॉलो होता है नो इफ यू एंड हैव अ लुक सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया अब इसमें दो बातें हैं हम कहते हैं इंडिया में कमाया और हम कहते हैं इंडिया के बाहर यानी वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन रिसीट एंड फॉरेन रिसीट एंड हमने बोला ये कॉमन सेंस रूल नहीं है यहां पर आपको फाइव सबसेक्शन वन और फाइव सबसेक्शन टू पढ़ना पड़ेगा एंड उधर आपको पता चलेगा इंडियन क्या है फॉरेन क्या है वह वर्ल्ड ओवर क्या रूल्स हो सकते हैं एक रूल होता है सोर्स ऑफ इनकम रूल सोर्स ऑफ इनकम रूल यानी आपने जो हमारे देश में कमाया हम उसपे टैक्स लेंगे आपने बाहर कमाया हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे ऐसा रूल भी हो सकता है एक होता है बेटा रेजिडेंस रूल अगर आप हमारे देश के रेजिडेंट हैं तो आप इंडिया में टैक्स देंगे चाहे आपने इंडिया में कमाया चाहे आपने बाहर कमाया ये रेजिडेंस के रूल्स हो गए रेजिडेंस बेस्ड रूल्स हैं एंड रेजिडेंशियल स्टेटस के रूल्स हमने बताया इनकम टैक्स में सेक्शन सिक्स में दिए और हर देश के अलग एक्ट हैं उनमें अलग रूल्स होंगे तीसरा रूल जो कम यूज होता है इज द सिटीजनशिप बेस्ड रूल यानी अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं आपकी सारी इनकम पे टैक्स इंडिया में लगेगा हमारे देश में इनमें से कौन सा रूल फॉलो होता है एक्चुअली हम क्लब कर देते हैं रेजिडेंस रूल एंड सोर्स ऑफ इनकम रूल हम कहते हैं अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं तो आप रेजिडेंस रूल के हिसाब से इंडिया में कमाई हुई इनकम पे भी टैक्स दें बाहर कमाई जो इनकम उस पर भी टैक्स दें लेकिन अगर आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट हैं तो आप सोर्स ऑफ इनकम रूल के हिसाब से जो आपने इंडिया में कमाया सिर्फ उस पर टैक्स दीजिए जो बाहर कमाया उस पर टैक्स ना दीजिए सो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट हैज मर्ज द सोर्स ऑफ इनकम रूल एंड द रेजिडेंस रूल टूगेदर सिटीजनशिप रूल हमने अभी तक फॉलो नहीं करा परंतु फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी ने एक सेक्शन सिक्स वन ए एड करा जिसमें उन्होंने डीम्ड रेजिडेंसी का डाला जिससे पूरा देश हिल गया जिससे पूरे इंडियन हिल गया एक्चुअली क्योंकि अब एक एग्जाम्पल लेते हैं दुबई का अब दुबई में सपोज करिए एक इंडियन रहते हैं इनका नाम है मिस्टर दुबे अब दुबे जी बहुत सालों से दुबई में रह रहे हैं पर उनका पासपोर्ट आज भी इंडियन है यानी वो इंडिया के सिटीजन है अब ये पैसा दुबई में भी कमाते हैं दुबई में उनकी इनकम लट से चालीस करोड़ की है इंडिया में उनकी इनकम केवल दस करोड़ की है अब देखिए कोई दो राय वाली बात नहीं है कि इंडिया वाली इनकम पे तो दुबे जी को टैक्स लगेगा ही लगेगा चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो इसमें कोई दो राय नहीं है बिकॉज इंडियन इनकम पे तो टैक्स रेजिडेंट को भी लग रहा है और नॉन रेजिडेंट को भी लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत है ये करोड़ करोड़ की अब दुबे जी जो कमा रहे हैं

अब समझ के चलें अगर इंडिया का रेजिडेंट है हमने अभी बात करी वो इंडियन रिसीट कमाए या फॉरेन रिसीट कमाए दोनों पे हम इंडिया में टैक्स लेंगे यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे टैक्स मांगती है लेकिन सपोज करो ये जो पैसा कमाया जा रहा है यूएसए में कमाया जा रहा है अब हो सकता है यूएसए का एक्ट कहता है जो यूएसए में पैसा कमाया सोर्स ऑफ इनकम रूल उस पर टैक्स आप यूएसए में देंगे अब ये भाई साहब जो हमारे हैं ये थोड़े से दिक्कत में आ गए हैं क्यों उनको इस पैसे पे यूएसए में भी टैक्स लग रहा है और इंडिया में भी टैक्स लग रहा है इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन तो बच्चे पूछते हैं क्या सर डबल टैक्सेशन भी होते हैं अरे बहुत कुछ होता है बेटा अभी तो तुम बच्चे पैदा हुए हो इनकम टैक्स की दुनिया में और मेरा कार्य धीरे धीरे वहां तक पहुंचाऊंगा तो डबल टैक्सेशन होती है बिल्कुल होती है तो इससे बचा कैसे जाता है डिपेंड करेगा बच भी सकते हो नहीं बच सकते हो कैसे सर देखो बेटा अब क्या होता है गवर्नमेंट ऑफ यूएसए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठ के एग्रीमेंट साइन करती हैं। दीज एग्रीमेंट्स आर कॉल्ड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स क्या बोलते हैं इनको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स उनमें क्या बोला जाता है अब यूएसए वाले बोलेंगे भाई सुनो हमारे यूएसए के लोग अगर इंडिया आते हैं वो यहां पैसा कमाते हैं तुम तो उस पर टैक्स लेते हो उस पर हम भी लेते हैं तुम्हारा बंदा हमारे पास आता है उस पर टैक्स तुम भी लेते हो हम भी लेते हैं क्यों मारे इन बेचारों को एक काम करते हैं हमारा बंदा जब तुम्हारे पास आएगा तुम टैक्स मत लो हम लेंगे और जब तुम्हारा बंदा हमारे पास आएगा तुम हम टैक्स नहीं लेंगे तुम ले लो ऐसी एग्रीमेंट्स अगर अगर एंड आई एम यूजिंग द वर्ड अगर अगर ऐसी एग्रीमेंट साइन हो जाती हैं उनको बोलते हैं डी टी डबल डबल टैक्सेशन अवर्ड एग्रीमेंट्स इनकम टैक्स एक्ट में बेटा सेक्शन 90 है सेक्शन नाइनटी ए है और सेक्शन 91 वन है ये फाइनल में पढ़ाए जाएंगे आपको हाउ टू कैलकुलेट रिलीफ ऑन डबल टैक्सेशन लेकिन हम इंटरमीडिएट लेवल पे इन एग्रीमेंट्स को इग्नोर करके चलेंगे हम मानेंगे ऐसी एग्रीमेंट नहीं है हम मानेंगे इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से क्या टैक्स बन रहा है उस पर ध्यान देंगे क्योंकि धीरे धीरे आपको जैसे जैसे आप बड़े हो गए पता चलेगा कि डी टी डबल एज ओवर राइड the income tax act यानी इनकम टैक्स में जो लिखा है वो हमारे देश के लॉ है पर ये तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट होगी ये हमारे देश के लॉ से ऊपर है सो डी टी डबल विल ओवरइट द इनकम टैक्स एक्ट एंड अगर डी टी डबल लिखा है कि ये जो रेजिडेंट है इसकी यूएसए की इनकम पे टैक्स यूएसए नहीं लेगा इंडिया लेगा और इस यूएस के सिटीजन का इंडिया की इनकम पे टैक्स इंडिया नहीं लेगा यूएसए लेगा तो प्रैक्टिकली वो होगा पर अभी के लिए हम ये रूल फॉलो नहीं करेंगे हम एज्यूम करेंगे कि कोई भी डी टी डबल एग्जिस्ट नहीं करती है और हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हमें तो अभी इनकम टैक्स एक्ट के रूल सीखने बाद में सीख लेंगे डी टी डबल इनफैक्ट डी टी डबल सी ए फाइनल इंटरनेशनल टैक्सेशन इलेक्टिव पेपर ओनली वेरी ब्रीफली प्रैक्टिकल दुनिया में काम आता है आपको हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ाए जाएंगे आई होप दैट पार्ट इज क्लियर सो हम वापस आते हैं अब इंडिया के सिटीजन जो बाहर बैठे हैं दुबई उनको दुबई में टैक्स लग रहा है नहीं लग रहा है ये दुबई का लॉ बताएगा पर अगर इंडियन एक्ट ने बोल दिया कि इंडिया के सिटीजन आर ऑल डीम्ड टू बी रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया तो एक दिक्कत आ जाती है दुबे जी कहते हैं जी मैं दुबई रह रहा हूं मेरे से गलती होगी इंडिया का पासपोर्ट रख के अगर आप मेरा इंडिया में इनकम टैक्स लगा देंगे तो मैं कहां जाऊंगा तो अब हम समझने जा रहे हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वॉट वी कॉल रेजिडेंशियल स्टेटस बिकॉज सारा बेसिस ऑफ इनकम जो इंडिया में होगी, ये होगी. और लोग इसको मैन्युपुलेट कैसे करते हैं अपने फायदे के लिए ये बातें भी करेंगे और देखेंगे कि फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी ने जो अमेंडमेंट्स करी हैं उससे क्या इफेक्ट हुआ ना टू स्टार्ट विद आई हैव टोल्ड यू देयर इज अ सोर्स बेस्ड रूल देयर इज अ रेजिडेंस बेस्ड रूल

इसमें समरी आएगी पर समरी पढ़ने से पहले हम पूरा सेक्शन पढ़ेंगे और आप सीखोगे बेर एक्ट जो लेजिस्लेचर ने लिखी उसको कैसे समझते हैं और फिर उसको सिंप्लीफाई करके बात करेंगे अब इसको मैं सिंपल भाषा में बात करूं हमारे पास है सेक्शन सिक्स और अभी इसमें सेक्शन सिक्स क्लॉज वन या आप सब सेक्शन वन बोलिए कोई बात नहीं सेक्शन सिक्स वन में रूल्स दिए हैं एन इंडिविजुअल अब देखिए बड़ी क्लियरली क्या लिखा एन इंडिविजुअल यानी ये रूल जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं ना कंपनी को लग रहा है ना फर्म को लग रहा है किसको लग रहा है केवल इंडिविजुअल को तो अब आप सवाल पूछिए सर इंडिविजुअल अगर इंडिया का सिटीजन है उसको लग रहा है या अगर इसके पास फॉरन पासपोर्ट है फॉरन सिटीजन है उसको भी लग रहा है क्या लिखा बेटा इंडिविजुअल मिस्टर जॉन इज एन इंडिविजुअल मिस्टर ली फ्रॉम चाइना इज एन इंडिविजुअल मिस्टर राधेश्याम फ्रॉम इंडिया इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल इंडिविजुअल विल इंक्लूड एनी पर्सन इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन और फॉरन सिटीजन अब इसको हम कैसे समझ रहे हैं हम देख रहे हैं लॉ में क्या लिखा है और उसको हम पढ़ के इंटरप्रेट कर रहे हैं इन एनी प्रीवियस इन आराम आराम से पढ़ेंगे इन एनी प्रीवियस इन यानी रेजिडेंशियल स्टेटस मैंने आपको पहले बताया था हर साल अलग हो सकता है, है कि नहीं इफ ही अच्छा ही लिखा है अबाउट शी तो बेटा ये कॉमन रूल है कि अगर ही लिखा हो तो शी भी आएगा एंड द थर्ड जेंडर विल ऑल्सो बी कवर्ड सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एनी इंडिविजुअल इफ ही इज इन इंडिया इन दैट ईयर फॉर अ पीरियड और पीरियड्स मोर देन और इक्वल टू वन एटी टू डेज और फिर आया वर्ड और, और मैंने इसको बोला था हम लिखेंगे या विंग विद इन द फोर ईयरस प्रोसीडिंग दैट ईयर उससे पिछले चार साल बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड और पीरियड अमाउंटिंग इन ऑल टू थ्री सिक्सटी फाइव डेज और मोर इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड और पीरियड अमाउंटिंग इन ऑल टू सिक्सटी डेज और मोर इन दैट ईयर अब इसका सरल भाषा में जब हम रूल बनाते हैं यह देखिए आता है इसको बोलेंगे बेसिक कंडीशन जो हम पढ़ रहे हैं सिक्स वन में

कि आपकी ये पहली कंडीशन पूरी होगी दूसरी नहीं भी हुई तो भी आप रेजिडेंट होंगे क्योंकि ये बीच में वर्ड क्या आ रहा है बेटा या प्रेजेंट इन इंडिया फॉर ये इक्वल टू बहुत जरूरी है क्योंकि अगर पूरे एक बने वन या पूरे साठ बने सिक्सटी दैट इज ऑल्सो सेट इजफाइंग द कंडीशन ही सेज 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर यानी करंट ईयर में जिस साल का हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं

ये वाली होगी तो भी रेजिडेंट है ये दोनों नहीं हुई देन द पर्सन अमाउंट्स टू अ नॉन रेजिडेंट तो हमने अभी क्या सीखा बेसिक कंडीशन डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टे एंड वेदर ही इज एन इंडियन सिटीजन और अ फॉरन सिटीजन डजेंट मैटर तो कम्स द क्वेश्चन कि सर पता कैसे करेंगे तो ये बैठे आप अपने दफ्तर में लाइक like ऑलवेज आप कौन हैं ये अगला कौन है उसकी कुर्सी क्या होती है सीधी वो कौन होता है दुखी अब ये बैठा है यहां पर इसका हमने रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है ये फॉरेन सिटीजन हो या इंडियन सिटीजन हो अभी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता हम इसका पासपोर्ट मंगाएंगे और पासपोर्ट में डेट ऑफ एंट्री डेट ऑफ एंट्री इनटू इंडिया एंड डेट ऑफ डिपार्चर दोनों दिखे होते हैं बेटा हाँ सारी मेहनत करेंगे मेहनत करेंगे फीस मिलेगा तो हम क्या करेंगे डेट ऑफ एंट्री और डेट ऑफ डिपार्चर देखेंगे अच्छा क्या होता है कई बार पता चले वो इंडिया में आया बाहर रहता है यूएसए में रहता है इंडिया में आया 20 तारीख को लट से 20 मई को इंडिया में आया फिर वो वापस चला गया लट से 30 जून को वापस चला गया फिर वापस आया लट से तीन दिसंबर को वापस आया फिर चला गया लट से चार जनवरी को यानी आता जाता रहता है ये आया और ये गया अब हम इसका पीरियड ऑफ स्टे कैसे निकालेंगे हाउ विल वी कैलकुलेट द पीरियड ऑफ स्टे आप समझिए पासपोर्ट पर डेट वाइज स्टैंप है इनफैक्ट रिमेंबर अ डे इज कंप्राइज ऑफ ट्वेंटी फोर आवर्स जब बीस तारीख को इंडिया में आया सपोज शाम के पांच बजे आया जब तीन छ को इंडिया के बाहर गया जब इंडिया के बाहर गया तो सुबह के लट से चार बजे गया फ्लाइट सुबह सुबह की थी अब इसमें नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे और दिक्कत क्या आएगी बेटा अगर ये 181 पे अटक गया तो ये नॉन रेजिडेंट है 63, 65 दो मिनट छोड़ो अगर ये 182 पूरे हो गए तो ये रेजिडेंट हो गया और अगर रेजिडेंट हो गया तो दुनिया भर की इनकम पे टैक्स लग सकता है तो इसको कैलकुलेशन मत मांगो मानो बेटा ये यू नो मोस्ट स्टूडेंट्स ऑफ दी दी हैव थिंग इन दियर माइंड कि इसका तो क्वेश्चन सॉल्व करना है अरे ये क्वेश्चन ना है बेटा ये प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन है और इतनी सी गलती तुमने करी अगले का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा टैक्स का तो जिम्मेवारी लीजिए समझिए क्या हो रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस की बात हो रही है एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर प्लानिंग कर सकते हैं टेइंग विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ आई कैन टेल माई क्लाइंट सुन टू इंडिया में इतने दिन मत रहे

यानी इंडिया में 12 से लेकर चार बजे तक 12 से एक एक से दो दो से तीन तीन से चार चार घंटे था यानी अगर मैं बीस पांच और तीस छे वाला दिन लू सिर्फ यही दो दिन लू तो मिला के ग्यारह घंटे हुए चौबीस घंटे का दिन होता है तो ऐसे आधे आधे दिन जब इंडिया में रहा उनके आप ऐड करके 24 घंटे अगर बनते हैं तो एक दिन मानेंगे आप समझे मेरी बात लेकिन कई बार हमारे पास ये डेटा अवेलेबल नहीं होता है दिस डेटा इज नॉट अवेलेबल द नंबर ऑफ आर्स इज नॉट अवेलेबल In that case, the date of entry and the date of departure are both are both treated as stay in India. आप दोनों को इंडिया में stay मानेंगे ye rule हो गया तो क्योंकि हमारे इंटरमीडिएट के questions में आर्ली डेटा हमें नहीं मिलेगा हमारे लिए डेट ऑफ एंट्री एंड डेट ऑफ डिपार्चर विल बोथ be ट्रीटेड एज स्टे इन इंडिया यानी अगर ऐसा हम करें बीस छ बीस पांच भी इंडिया में माना जाएगा तीस छह भी इंडिया में माना जाएगा तीन बारह भी इंडिया में माना जाएगा चार एक भी इंडिया में माना जाएगा वेन वी आर कैलकुलेटिंग वन एटी टू डेज वेन वी आर कैलकुलेटिंग वन एटी टू डेज मुझे दो तीन सवाल आते हैं दिमाग में अब क्या हुआ उसकी शिप आई हुई है वो शिप में यहां पर है और अभी दो तीन दिन यहीं पर ही है इधर 12 नॉटिकल माइल्स को बोलते हैं बेटा टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया क्या बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया अब बताइए वो यहां पर पानी में है उसने जहाज आया हुआ हुआ है 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 क्रूज आया हुआ, उसकी यॉट आई हुई 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 वहां पर हुई पानी में वहीं रह रहा है। क्या इसको स्टे इन इंडिया मानेंगे इज दिस स्टे इन इंडिया आई एम श्योर यू टेल मी यस सर दिस इज स्टे इन इंडिया एंड ऑफकोर्स इट इज स्टे इन इंडिया समझ गया मेरी बात ये दिस इज स्टे इन इंडिया डे नीट टू बी कंटिन्यूस नो हो सकता है पहले कुछ दिन जब वो आया वो दिल्ली में रहा फिर उसके बाद वापिस चला गया फिर जब आया हो सकता है वो मुंबई में रहा फिर हो सकता है वापिस आया तो आगरा चला गया क्या इंडिया यह सारा हैज बी ओवरऑल इन इंडिया चाहे इकट्ठे एक सौ बयासी है चाहे आना जाना मिलाकर वन एटी टू डेज है तो ये होगी दूसरी बात तीसरी बात एक बंदा कहता है सर मैं इंडिया तो आ गया फर्स्ट ऑफ अप्रैल को लेकिन मैंने काम नहीं करा कुछ भी मैंने कोई पैसा भी नहीं कमाया इंडिया में मेरी नौकरी इंडिया में लगी लेट से ऑन फर्स्ट ऑफ जनवरी अब कहता है जब मेरी नौकरी फर्स्ट ऑफ जनवरी को लगी तो मेरे नंबर ऑफ डेज इन इंडिया नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया ऑफ स्टे शुड बी काउंटेड ओनली फ्रॉम वेन आई स्टार्ट अर्निंग मनी बड़े विचित्र विचित्र लोग आएंगे लॉ को पढ़ने के लिए वो मिनटों ज्यादा खाते हैं उनकी दिमाग की बत्तियां बहुत जगी होती हैं तो आप ध्यान रखेंगे लॉ में क्या लिखा है लॉ डज नॉट से वेन यू स्टार्ट अर्निंग मनी लॉस इज वॉट फिजिकल स्टे इन इंडिया तो उसने पैसा कब से कमाया डर उसका स्टे यहां से शुरू हो जाएगा तो मैं चाहूंगा कि आप दो बातों को अलग अलग रखो बच्चों के वॉट इज द स्कोप ऑफ इनकम वो बाद में करेंगे अभी हम सिर्फ रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं और उसके रूल मैंने आपको कराए द बेसिक रूल्स आर दीज ना बेटा वॉट व्यू गो लुक एट इज फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 2000, ये हमारा हो गया प्रीवियस ईयर आप लोग मेरे साथ हैं सारे हुँ? ये हो गया प्रीवियस ईयर अब इस प्रीवियस ईयर में लेट से फोर्टी डेज था इंडिया में ठीक है अब मुझे बताइए ना ये वन वाली कंडीशन पूरी कर रहा है ना ये 60 वाली कर रहा जब 60 करता तो मैं थ्री वाली चेक करता तो ये क्या हो गया नॉन रेजिडेंट अगर यहां 149 डेज होते अब बेटा मुझे ये वाली कंडीशन तो पूरी नहीं हुई पर इसको चेक करना है और इसको चेक करने के लिए मुझे अब पिछले चार साल का उसका पासपोर्ट से डेटा निकालना पड़ेगा तो चार साल लिख लेते हैं अब चार साल में लेट से यहां पर वो था ही नहीं इंडिया में केवल यहां 365 डेज आया था पूरा साल रहा था अब क्या हो गया इन द करंट ईयर ही वॉज इन इंडिया फॉर मोर देन और इक्वल टू 60 डेज एंड इन द फोर इमीजिएटली प्रिसीडिंग इन सुन रहे हो ऑफ कोर्स सुन रहे इन द फोर इमीजिएटली प्रिस मिलाकर क्या तीन दिन हो गए हो गए अब ये क्या हो गया बेटा ये हो गया इंडिया का रेजिडेंट क्लियर होगी बात अब दिक्कत आई अब दिक्कत आई उसके बारे में समझते हैं अब एक बंदा आया कहता सर मैं रहता तो दुबई में हूं अब मैं दुबई में रहता हूं मैं हर साल इंडिया दो महीने की छुट्टी आता हूं तो मैंने क्या हुआ ये मेरा एट दीज ईयर्स यहां पर उसका डेटा लगाते हैं कहता हर महीने मैं आता हूं इंडिया फॉर टू मंथ्स सो रफली साठ दिन आता है यहां पर भी साठ दिन आया यहां भी साठ दिन आया कहता सर इस साल ना मम्मी के पास मन करा थोड़ा देर और रह जाऊं तो इस साल में चार महीने रह गया ठीक बात होगी तो अब हुआ क्या जब हमने इसका टोटल निकाला कितना हो गया ये थ्री हंड्रेड डेज और करंट ईयर में कहता जी मैं फिर साठ दिन के लिए आया तो आप बताइए क्या मैं रेजिडेंट तो नहीं हो गया उसको फिक्र पता किस बात की है दुबई में वो चालीस करोड़ कमा रहा है अगर वो रेजिडेंट हो जाएगा तो 40 करोड़ इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा है ये इंडिया का सिटीजन ही पर रहता दुबई में पिछले 20 साल से वही है हर साल इंडिया आता जाता रहता है इंडिया में उसकी कोई इनकम नहीं है दो मिनट के लिए उसको सिर्फ फिक्र है कि अगर मैं रेजिडेंट बन गया ये हमारे देश के रॉ के हिसाब से मेरे को तो दुबई के इनकम पर टैक्स देना पड़ जाएगा मम्मी से मिलना बड़ा महंगा पड़ जाएगा तो हम उसको बोलेंगे ना भाई तू आराम से रह अभी तूने कंडीशन पूरी नहीं करी है कहता जी अगर मैं यहां पर भी 120 दिन आया होता हम कहते बेटा अब तेरे हो गए दो प्लस 60 300 प्लस 60 360 अभी भी तू सेफ है कहता है, इसका मतलब है अगर मैं यहां पर सात दिन भी और रह गया होता मैं कहता बेटा उसके बाद तो फिर गड़बड़ हो जाती तो अभी हो जाता कितना 247 367 अब तू यह कंडीशन पूरी करा तू रेजिडेंट हो गया कहता मतलब मैं का घबरा मत अभी पूरी कहानी नहीं बताई तेरे को अब इंडिया में आप रेजिडेंट होने पे उनकी फॉरेन इनकम पे टैक्स लगा दोगे तो देखो एक और बात होगी सोचो एक बंदा यूएसए रहता है उसको इंडिया घूमने का मन कर गया सपाटे पे आ रहा है इंडिया में क्या था जी मैं आगरा देखूंगा ताजमहल देखना है मैंने लाल किला देखना है फिर मैंने बॉम्बे देखना है वो इतना मग्न हुआ यहां पर ऋषिकेश चला गया योगा सीख रहा है पता चले वो यहां पर दो दिन रह गए इंडिया में अगर 200 दिन रह गया है क्या छह सात महीने अब उसका क्या हुआ वो इंडिया में रेजिडेंट बन गया रेजिडेंट बन गया वो यूएसए में इसकी 400 करोड़ की इनकम है इंडिया वाला मुच्छड़ हमारा हा? इसके मुंह में क्या आ रहा है पानी ये कहता भाई तू इंडिया घूमने आया था देख तू रह गया दोस्तों दिन हमारा देश ही ऐसा इतना प्यारा है तू मग्न हो गया यहां पर अब ऐसा कर वो जो तूने यूएसए में पैसे कमाए हुए उस पर इंडिया में टैक्स दे ये भाई साहब जो आए यूएसए से ये कहेंगे कैसा देश है भाई तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला ये रूल तो पूरी तरह सही नहीं है ऐसे तो लोग इंडिया आ ही नहीं पाएंगे सो दे केम अप विद अ ऑफ समथिंग कॉल्ड एडिशनल अब इंडिविजुअल थोड़ा सा मॉडिफाई होगा इस रूल को मॉडिफाई करेंगे ये जो है, के केस में, यहां पर इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को दो और श्रेणियों में डिवाइड करा गया है रेजिडेंट प्लस ओआर एंड रेजिडेंट प्लस एनओआर ओआर मींस ऑर्डिनरली रेजिडेंट यानी इस साल इस साल तो रेजिडेंट हो गया प्लस ऑर्डिनरली भी यहीं रहता है और एक रेजिडेंट प्लस एनओआर यानी इस साल तो उसने 182 या 60 प्लस 36 बाय सैटिस्फाई कर दिया पर नॉट ऑर्डिनरली यहां आमतौर पे यहां नहीं रहता है अच्छा ये आमतौर आपके और मेरे हिसाब से नहीं है हमें सेक्शन सिक्स क्लॉज सिक्स बताएगा कि वो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी कैसे बनेगा और उसको बोलेंगे एडिशनल कंडीशंस अच्छा इससे फर्क क्या पड़ेगा देखो कहता इसके हाथ में जो ओ होगा उसके हाथ में सारी इंडियन और सारी फॉरेन रिसीट्स पे टैक्स लेंगे तुम लोग जागते रहो क्वेश्चंस होंगे और उस समय आप लोग खुद सॉल्व करोगे मैं नहीं करूंगा सुन रहे हो ना आप लोग एनआर के केस में

अब वो कौन सी फॉरेन इनकम है क्या था भाई सुन अगर तेरा बिजनेस और अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं बिजनेस इनकम की तेरा बिजनेस इंडिया में इंडिया से शुरू हुआ या इंडिया से कंट्रोल होता है और तेरी बाहर कोई ब्रांच है बिजनेस की ब्रांच है और वहां इनकम हो रही है जैसे सिंगापुर में ब्रांच खोली हुई है लंदन में ब्रांच खोली हुई है वहां पर आपको 40 करोड़ की इनकम हो रही है इंडिया में आपका ऑफिस है जहां से आपको हंड्रेड करोड़ की इनकम हो रही है कहते भाई देख इंडिया वाली इनकम पे तो टैक्स मैं लूंगा ही लूंगा चाहे तू रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो अगर तू आर प्लस हो गया तो तेरी फॉरेन इनकम पे भी टैक्स लूंगा ही लूंगा जो मर्जी हो चाहे वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आ रहा हो चाहे वो सैलरी इनकम हो चाहे तेरा कोठी बाहर हो यानी अगर तू आर प्लस ओ आर है तो तेरी सारी फॉरेन इनकम पे मैं इंडिया में टैक्स लूंगा लेकिन अगर तू आर प्लस एनओ आर है तो केवल ये वाली जो फॉरेन इनकम है ना जिसका तेरे बिजनेस की इनकम है उस बिजनेस का हेड ऑफिस अगर इंडिया में है तो यह वाली फॉरेन इनकम भी तेरे हाथ में इंडिया में टैक्स लगाऊंगा अगर तू आर प्लस एनओ आर है सो ओनली वन फॉरेन इनकम इन द हैंड्स ऑफ आर प्लस एनओ आर इज टैक्सेबल और इसको मेरे साथ साथ बोलोगे इनकम ऑफ अ फॉरेन ब्रांच विच इज कंट्रोल्ड और द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया तेरा बिजनेस इंडिया से कंट्रोल्ड है तो तू दुनिया भर दुनिया भर में जो भी पैसा कमाया उस पर इंडिया में टैक्स तू देगा चलिए इस पर तो बातें फिर होंगी जब हम इंडियन और फॉरेन रिसीट करेंगे तब डिटेल में करेंगे अभी हम क्या सीख रहे थे हम सीख रहे थे कि इसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए एडिशनल कंडीशन क्या है अब एडिशनल मैंने आपको बोला ये दिए। पर इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा तो अभी के लिए मैं आपको सरल भाषा में सिखाऊंगा फिर पढ़ेंगे इसको तो एडिशनल कंडीशन क्या है रेजिडेंट ऑफ इंडिया पीरियड ऑफ एटलीस्ट टू इस आउट ऑफ द इमीडिएटली प्रोसीडिंग टेन मतलब पिछले दस साल पिछले कब से 2021 हजार बीस इक्कीस को छोड़कर पिछले दस सालों में कम से कम दो साल इंडिया का रेजिडेंट निकला ओ आर एम आर नहीं बोला रेजिडेंट निकला वो कैसे चेक करेंगे वही दो कंडीशन चेक करके एंड पर एंड प्लस ही इज फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट सेवन थर्टी डेज इन द इमीएटली प्रोसीडिंग सात साल यानी जब ये दोनों कंडीशन पूरी होंगी तो तू ओआर होगा ये हो गई ये नहीं हुई ये नहीं हुई ये हो गई ये दोनों नहीं हुई तो आप एनओ आर हो जाएंगे पर रहेंगे रेजिडेंट तो ये एडिशनल कंडीशंस किस पे लग रही हैं रेजिडेंट पे लग रही हैं आप नॉन रेजिडेंट निकले बेटा इफ यू बिकम अ नॉन रेजिडेंट बेटा रिमेंबर यू कैन नॉट बी एन ऑर्डिनरली नॉन रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरली ये केवल सिर्फ रेजिडेंट के लिए हम चेक करते हैं ऑर्डिनरी और री नॉन रेजिडेंट तो बेटा रहेगा सो हाउ डू वी चेक दीज कंडीशन चलेंगे फर्स्ट टाइम फॉर अ पीरियड ऑफ टू हंड्रेड डेज एंड आई वॉन्ट टू टू ओपन योर नोट्स आप अपने नोट को लें और मेरे साथ साथ इसको यहां सॉल्व करेंगे ओके okay? और ऑल्टरनेटिवली एक रजिस्टर लगाएं मेरे लिए इनकम टैक्स के लिए सेपरेट रजिस्टर चाहिए लॉ ऑडिट आई टी एस एम अकाउंट किसी से मिक्स नहीं करोगे एक टैक्स का रजिस्टर चाहिए मुझे और वहां पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वैसे तो मैंने अपने नोट्स में जगह दी हुई है ताकि आप यहीं पर ही सॉल्व करें द आइडिया बेटा इज वेन यू आर रिवाइजिंग दिस आप समझे मैंने दो प्रकार के आपको मॉड्यूल्स दिए एक है नोट्स एंड वर्कबुक जो यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं आपको और इन्हीं से पढ़ाऊंगा अब नोट्स एंड वर्कबुक में यहां पर जहां जहां जगह दी है हम आंसर लिखेंगे ताकि जब आप लास्ट डे रिवाइज कर रहे हैं आप अपने हाथ के लिखे आंसर भी रीड करें और आप नोट करेंगे मैंने ये जो चार्ट दिए हुए हैं यहां पर इसमें समरी हो जाएगी सो तो जब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं शायद हम ये सारा टेक्स्ट पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे पर जब हम रिवाइज करेंगे तो हमें शायद ये डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है मैंने यहां पर समरी चार्ट्स दिए हुए हैं सो हाउ आर मेड द नोट्स आई हैव मेड द नोट्स टू एंश्योर मेरा हिसाब यह कहता है कि लास्ट डे आप नए नोट्स या समरी नोट्स या अपने कुछ बना के नोट्स की जरूरत नहीं है क्यों वेस्ट कर रहे हो टाइम मैंने आपको बना के दिया हुआ इन समरी नोट्स का समरी नोट नहीं बनाने बेटा नोट्स, नोट्स के नोट्स नहीं बनाने हैं सीए का पेपर है एक भी पॉइंट में सो गया वहां नंबर जा सकते हैं इतना सा पॉइंट पेपर में आठ या दस नंबर का या चार नंबर का आ सकता है तो इनमें से कुछ नहीं छोड़ना है एंड आई बीन वेरी केयरफुल की मैं सारे पॉइंट्स यहां डालू अच्छा कई बच्चे कहते हैं सर लास्ट में ना आजकल फैशन है कि वो समरी एक बुकलेट आ जाए तो मैंने दी हुई है मैंने आपको एक बुकलेट अलग से दी है जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं यानी इनके अलावा जो क्वेश्चंस करने वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और सारे चार्ट्स एक ही जगह दे दिए ताकि आप चार्ट से रिवाइज पूरा चैप्टर कर सकें और फिर क्वेश्चंस कर सकें बट माय एडवाइस कि इन्हीं से पूरा रिवाइज करेंगे इतने सालों से बच्चे करते जा रहे हैं लास्ट डे हमें एक एक लाइन वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने बीच बीच में समरी चार्ट्स दिए हैं तो लास्ट डे आप सिर्फ अपने हाथ के मार्क्स जगहों पे देखेंगे अच्छा यहां में अटका था यहां में अटकी थी ये याद कर लेते हैं और साथ चार्ट पढ़ लेते हैं पूरा दो तीन पेज कवर हो जाएंगे एक ही चार्ट में तो आपका वो मॉड्यूल जो शायद इतना मोटा दिखेगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा पर मेरे हिसाब से आपकी आंखों के आगे से लास्ट डे पे एक एक पेज निकलना जरूरी है का पेपर करेंगे सब याद रहेगा आइए अब इसको खोलते हैं एक्स अ फॉरन सिटीजन कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर टू हंड्रेड डेज ऑन वन वन ट्वेंटी अर्लियर अब एज अ स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करेंगे डेटा बनाएंगे हम बनाते हैं टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन अब ये डेट्स पढ़ेंगे अब डेट्स का जो चक्कर है आपके दिमाग में वन वन ट्वेंटी वन कौन से साल में आ रहा है अगर यही दिक्कत होगी तो गड़बड़ हो जाएगी तो मैंने आपको बोला था कि अपने दिमाग में एक लाइन लगाइए हमारी लाइन लगी हुई है फर्स्ट जनवरी से थर्टी फर्स्ट दिसंबर की उसको लाइन को मिटा के यहां लाइन लगाएंगे फर्स्ट अप्रैल थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च अब कोई भी डेट जनवरी फेबररी मार्च में आ रही है और कोई भी डेट अप्रैल से दिसंबर में आ रही है और फिर जनवरी टू मार्च में आ रही है आप समझे ये वाले पिछला साल और अगला साल सो इफ दिस इज 2020 एंड दिस बिकम्स 2021 फॉर ट्वेंटी जनवरी 20 इज बेसिकली 2019-20 में आ रहा है और जनवरी 21 वन इज कमिंग इन 2020-21 समझ रहे मेरी बात सो जनवरी फेबर मार्च पड़ा जनवरी फेबर मार्च पड़ा तो जो साल दिया है बीस पिछला और ये और अप्रैल टू डिसंबर पड़ा अप्रैल ट्वेंटी इस ट्वेंटी ट्वेंटी वन डिसंबर ट्वेंटी इस ट्वेंटी ट्वेंटी वन और अगर डेट गलत पड़ ली तो गड़बड़ हो जाएगी तो मुझे फटाफट -फड़ एक एग्जाम्पल करते हैं बताइए इक्कीस बारह दो कौन से साल में आ रहा है जल्दी से बारह पे ध्यान दो इस पर ध्यान ही नहीं देना बारह दिसंबर है तो नौ दस ये हो गया नौ दस प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर दस ग्यारह बात एक ही है पर हम बात करेंगे इन द प्रीवियस ईयर सही है ना चलिए अगर करें एक दस दो हजार एक कौन सा साल है एक दो मत बोलिएगा नो जीरो जीरो जीरो, जीरो 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 वन नहीं कौन सा साल है ये एक दो कंफ्यूज नहीं होना है दस है यहां पर अगर यहां पर मैं वन डाल दूं हां अब क्या हो गया जीरो 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 वन सो प्रैक्टिस दिस विद यू एंड कम टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट डेट आर कवर सो दिस इज वॉट जनवरी इक्कीस बीस इक्कीस में आ रहा है यह बहुत जरूरी है अब बीस इक्कीस में कब आया ऑन फर्स्ट जनवरी कहता फॉर टू हंड्रेड डेज तो कुछ बच्चे इमीजिएटली कहते हैं सर ये तो रेजिडेंट हो गया वन एटी टू पूरे हो गए अरे नहीं जनवरी इक्कीस में आया और जिस दिन आया उसको इंडिया में लेंगे फर्स्ट जनवरी को सो so, जनवरी में कितने दिन रहा इंडिया में थर्टी वन फेब्रवरी में कितने दिन है ट्वेंटी एट मार्च में कितने दिन है थर्टी वन कितने हो गए बेटा डेज सो में नब्बे दिन रहा बाकी दिन तो इक्कीस बाईस में रहा 21 में कितने दिन रहा वो एक सौ दस और उसका तो रेजिडेंशियल स्टेटस हम निकाल ही नहीं रहे हैं हम किसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर बीस इक्कीस और वो इंडिया पहली बार आया था यानी इसके पिछले कभी भी नहीं आया अब लगाओ बेसिक कंडीशंस क्या 182 डेज पूरे हुए नहीं क्या 60 हो गए हां पर क्या 365 सिक्सटी फाइव नहीं तो कौन है ये नॉन रेजिडेंट आई होप दिस इज बिकमिंग सिंपल फिर चलते हैं आगे बेटा एक्स इज एन इंडियन सिटीजन ही लीव इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अ पीरियड ऑफ टू हंड्रेड डेज ऑन वन वन ट्वेंटी वन वॉट इज हिज रेजिडेंशियल स्टेटस अब डेट ऑफ फिर वही बनाना हमें बीस इक्कीस का ही लीव इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अ पीरियड ऑफ टू हंड्रेड डेज ऑन वन वन ट्वेंटी वन अब बेटा अंग्रेजी में मत मर जाना अंग्रेजी बोल रहे हैं इंडिया यानी इंडिया में कितने दिन नहीं था अब फर्स्ट जनवरी तो इंडिया मानेंगे यानी जनवरी में तीस दिन नहीं था फेबररी के अट्ठाईस दिन नहीं था और मार्च के इकतीस दिन नहीं था यानी कितने हो गए थर्टी मैं कर रहा हूं आप आप लोग भी करिए प्लस थर्टी वन एटी नाइन डेज टोटल डेज कितने होते हैं थ्री सिक्सटी फाइव 365 में से 89 माइनस करूं तो इंडिया में 276 डेज था अब मैं बेसिक कंडीशन लगाता हूं 182 की क्लियर हो रही है हो रही है खत्म होगी बात ही इज अ रेजिडेंट अब चले पिछले क्योंकि रेजिडेंट हो गया अब चेक करना है ओ आर है या एन ओ आर है या नहीं है तो उसको एक बार इन कंडीशन को चेक करके वापस इस पे आते हैं ये ग्यारह केसेज हैं एंड यू विल डू इट विद मी एज आई एम डूइंग इट पहला वाला बीस इक्कीस ये हमारे लिए करंट ईयर हो गया सबसे पहले देखते हैं वन एट्टी डेज लिखा है वन एट्टी है बेटा वन एट्टी टू नहीं है वन ऐटी टू रूल है वन एट्टी का रूल नहीं है सिक्सटी का रूल है सिक्सटी टू का नहीं है तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है तो ये पहली कंडीशन तो पूरी नहीं हुई पर सिक्सटी वाली होगी अब इसके पिछले चार साल एक दो तीन चार हाँ जी क्या थ्री सिक्सटी फाइव हो गया यस तो मैं रेजिडेंट तो लिख लूं अब मुझे चेक करना है ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी दो कंडीशन है बेटा पिछले सात सालों में ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहां तक सेवन हंड्रेड एंड थर्टी डेज पूरे होने चाहिए एंड अगर वो हो गए तो हम टू ऑन टेन भी चेक करेंगे पर दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई मुझे बताइए क्या ये रेजिडेंट होगा नहीं होगा ना तो इनमें से आसान वाली जो कंडीशन है वो ये वाली है टोटली करना है अब टोटल लगा लो सात सौ दिन पूरे नहीं हुए नहीं हुए तो ये कौन हो गया आर प्लस एन ओ आर चलिए अगला करते हैं इसी तरीके से आराम आराम से बिना जल्दी करें हम देखते हैं पहले साल में करंट ईयर में वन एट्टी है अगेन वन एट्टी टू नहीं हुआ सिक्सटी हो गया फिर क्या चेक करेंगे बेटा इसके पिछले चार साल पांचवा नहीं लेना है चार ही लेने और चार में ये नहीं आएगा चार इज इमीडिएटली प्रसीडिंग फोर इज जिसमें ये वाला साल चार साल की गिनती में तीन की गिनती में नहीं लेना है। तो ये कौन हो गया बेटा नॉन रेजिडेंट फिर चलते हैं 49 सीधा सीधा कौन हो गया ये नॉन रेजिडेंट यानी पहले डेटा बनाओ फिर रूल लगाओ अब यहां 60 हो गया पूरा चलो करो एक दो तीन चार हो गया तीन रेजिडेंट तो हो गया अब हमें ऐड करना है पिछले सात साल सो तीन साल और कर लेते हैं चलिए जोड़ के देखिए 365 सिक्सटी प्लस वन एटी प्लस वन एटी सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव डेज यानी सात सौ तीस नहीं हुए तो मैंने लिख लिया एनओ आर क्लियर होगी बात चलो अगला करें ही सेज हंड्रेड डेज ओके इसके पिछले चार सालों में चलिए रेजिडेंट तो हो गया अब क्या करें पिछले सात सालों में बताइए क्या सेवन थर्टी डेज हुए नो एन ओ आर नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन 185 डेज चलिए रेजिडेंट तो हो ही गया 182 डेज हो गए अब क्या इसके पिछले चार साल की कंडीशन चेक करनी है नो no. पर क्या हमें चेक करना है ओ आर है या है? वो बिल्कुल आर है चलिए एक दो तीन चार पांच छ सात चलिए ये 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 40 सात सौ साठ दिन हो गए एक कंडीशन पूरी होगी अब लफड़ा हो गया अब क्या करना है सुनो ध्यान से आराम से बैठ के अब पिछले दस सालों में यानी सात तो हो गए थे तीन और हर साल हमें चेक करना है वो रेजिडेंट था या नॉन रेजिडेंट था बाय अप्लाइंग द बेसिक कंडीशन 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 नहीं कंडीशन यानी 182 एंड 60 प्लस 365 वाली दोनों लगानी है चलिए एक-एक करके करते हैं अब हमें पहले पता करना है वॉझी या रेजिडेंट फॉर दिस ईयर नो क्योंकि इस साल तो ना 60 है ना 180 ना यहां हाँ। जब यहां पहुंचते हैं 60 पूरी होगी अब 60 पूरा हो गया तो मुझे पिछले इसके पिछले चार साल 365 भी हो गया यानी वो यहां का रेजिडेंट था 1 साल हो गया फिर हम जब यहां चेक करते हैं अगेन 60 हो गया इसके पिछले चार साल 365 हो गया यानी यहां पर भी रेजिडेंट हो गया आगे मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें कितने चाहिए थे टू आउट ऑफ टेन दो साल इंडिया का रेजिडेंट हो चुका है वो तो ये हो गया बेटा ओ आर आर प्लस ओ आर सो वट आर वी डूइंग वी आर चेकिंग फर्स्ट द रेजिडेंट बाय अपलाइंग द बेसिक कंडीशन एंड देन वेदर ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी फॉर अ रेजिडेंट बाय फुलफिलिंग बोथ द एडिशनल कंडीशन चलो अगले वाला करो फटाफट मेरे लिए जल्दी जल्दी बताओ हाँ ये तो नॉन रेजिडेंट ही है पता ही चल गया हाँ ये हाँ करो एक दो तीन चार कितने हो गए रेजिडेंट तो हो गया चलिए अब ये देखो 730 दिन सात सालों में है सारी उम्र में नहीं है तो कितने आए 190 नाइन्टी प्लस टू प्लस वन नहीं हुए पूरे क्या हो गया नओ आर एक्सेलेंट एक्सेलेंट चलो नेक्स्ट सिक्सटी हो गया हां जी लो जी थ्री सिक्सटी फाइव ही नहीं हुआ ये तो हो गया नॉन रेजिडेंट शुड बी इजी नाउ कम ऑन फास्टर हां जी सिक्सटी हो गया हा एक दो तीन चार ना नहीं हुआ नॉन रेजिडेंट हो गया है कि नहीं अच्छा अब यहां बताओ 60 हो गया 4 थ्री सिक्सटी फाइव हो गया रेजिडेंट कर लेते हैं अब पिछले सात सालों में सात सौ तीस भी हो गया और पिछले दस सालों में दो साल रेजिडेंट है वन एटी टू से ज्यादा यहां भी रेजिडेंट है यहां भी रेजिडेंट है, है तो ये हो गया आर प्लस ओ आर So what we've done in this lecture is looked at the very basics of calculating residential status. Isko revise karo, ye questions ko if needed, and then we will move on to the exceptions to the rules and look at how the amendment has made a change in the computation of residential status, paper So let us now. रिकैप्चर हमने पहले क्या किया मैंने बैरैक पढ़ाई पहले मैंने बोला देर इज अ सेक्शन सिक्स देर इज अ क्लॉज वन विच इज एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल जो मुझे बताता है वो रेजिडेंट है या नहीं है और दो क्लॉजेज हैं देर इज अ क्लॉज ए क्लॉज बी रिडन हो चुकी है यहां पर क्लॉज सी है इसको हमने बोला दो क्लॉजेज हैं एक है 182 डेज और मोर और एक है 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर

ये एडिशनल कंडीशन का चार्ट बना के दिया बट यू नीड टू नो वॉट वी आर वी आर रीडिंग कर रहे हैं दो चार मैंने करवाई। मैंने था आराम से पढ़ेंगे तो मुझे बताइए तो मुझे याद कराना जरूरी है हम निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं अलग बात है क्यों निकाल रहे हैं बिकॉज रेजिडेंशियल स्टेटस से क्या फर्क पड़ता है स्कोप ऑफ इनकम हमने यहां पर ये बात करी कल मैंने तुम्हें बताया आर और एनओ आर में क्या फर्क है आर प्लस के हाथ में सारी इंडियन सारी फॉरन इनकम हैं, एनआर के हाथ में केवल इंडियन है पर एन ओ आर के हाथ में रेजिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट क्या फर्क था इंडियन इनकम तो टैक्सेबल है ही है प्लस एक प्रकार की फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल थी व्हाट वाज दैट फॉरेन इनकम इनकम ऑफ अ फॉरेन ब्रांच बिजनेस इनकम फॉरेन में है जिसका कंट्रोल हेड ऑफिस कहां है इंडिया में है केवल वो वाली फॉरेन इनकम ओनली वन टाइप ऑफ फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ आर प्लस एन ओ आर इनकम ऑफ अ फॉरेन ब्रांच विच ऑफिस इन इंडिया एंड आई कीप रिपीटिंग इसके ऊपर हम पूरे दो तीन लेक्चर लगाएंगे देखेंगे सवाल करेंगे अभी डेटा लोड कर रहे हैं और मेरी आदत अब तक डल चुकी होगी पहले मैं कॉन्सेप्ट का एक इंट्रोडक्शन देता हूं उसको दिमाग में बैठाना शुरू करता हूं बहुत सारे सवाल उठाता हूं और धीरे धीरे उन सवालों के जवाब देता हूं नाउ वी ऑल्सो सेड वाइल कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ स्टे वी नीड टू अंडरस्टैंड पीरियड ऑफ स्टे नीड नॉट बी एट वन प्लेस इन इंडिया नोर शुड इट है इंडिया मोर देन वंस ड्यूरिंग द ईयर वी विल एट द टोटल डेज ऑफ स्टे इन इंडिया वाई अप्लाइंग द बेसिक एज वेल एज एडिशनल कंडीशन ओके okay. दूसरी बात हमने करी थी जर्नली द डेट ऑफ एंट्री एंड द डेट ऑफ डिपार्चर विल बी ट्रीटेड एज स्टे इन इंडिया वाइल अप्लाइंग द बेसिक एज वेल एज एडिशनल कंडीशन वेर अ पर्सन इज ऑन बोर्ड अ शिप बोट और यॉट और अदर वेसल वेसल का मतलब बर्तन नहीं है बेटा पानी के जहाज की बात हो रही है एंकर्ड इन द टेरिटोरियल वॉटर्स ऑफ इंडिया इट वुड बी ट्रीटेड एज स्टे इन इंडिया फिर एक और बात कराई थी कि आपने इनकम कमाई या नहीं कमाई उससे पीरियड ऑफ स्टे में कोई फर्क नहीं पड़ता है द डेट वेन द सोर्स ऑफ इनकम कम्स इन टू एक्सिस्टेंस इज इमीरियल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड ऑफ स्टे नाउ वॉट यू गुड गो एंड डू इज द एक्सेप्शन अब बेसिक रूल की कुछ एक्सेप्शन है और यहां पर इंटरेस्टिंग होने वाली बातें सो इफ आई गो एंड है लुक एट द एक्ट एक्सेप्शन इज गिवन इन द एक्सप्लेनेशन वन इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल अब आप नोटिस करें इनकेस ऑफ एन इंडिविजुअल बींगजन ऑफ इंडिया लो जी अब बात आई सिटीजनशिप पे यानी जो एक्सेप्शन है बेटा यह सिर्फ किस पर लग रही है सिटीजन ऑफ इंडिया जो ऊपर वाले दो रूल्स थे उसमें सिर्फ उसने इंडिविजुअल बोला था उसने नहीं बोला था सिटीजन इंडिया का हो या फॉरन का हो उसने बोला था इंडिविजुअल हो यहां पर बात हो रही है सिटीजन ऑफ इंडिया हुआ इंडिया इन द प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप और फॉर द पर्पज ऑफ इंप्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया द प्रोविजन ऑफ सब क्लॉज सी पढ़ो पढ़ो मेरे साथ पढ़ो सब क्लॉज सी इसकी बात कर रहा है शैल अप्लाई इन रिलेशन टू दैट ईयर एज इफ फॉर द वर्ल्ड सिक्सटी डेज अक्रिंग देर इन अंग्रेजी बोल रहा है ध्यान दो वर्ड वन एटी टू डेज हैज बीन सब्सटीट्यूटेड नहीं आया ना समझ ऐसे लिखा जाता लॉ मैं एज अ टीचर आपके लिए लॉ की लैंग्वेज सिंप्लीफाई करूंगा पर बेटा कभी तो बेराक पढ़ना पड़ेगा तो बेराक में क्या लिखा है अब देखो सिटीजन बींगीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर यानी दो लोग हैं यहां पर एक इंडियन सिटीजन है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है लीव्स इंडिया इन द प्रीवियस ईयर और हम बात कर रहे हैं करंट ईयर की इस साल इंडिया का सिटीजन अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है किस ले जा रहा है दो बातें बताई उसने ही ही गोइंग एज अ मेंबर ऑफ द क्रू एज क्रू मेंबर ऑफ एन शिप ओके और एक और है हु इंडिया फॉर इंप्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया इनमें कहता है जो एक पार्ट है मोर देन इक्वल टू 182 वो तो रहने दे जो बी पार्ट है जो क्लॉज सी है एक्चुअली एक्ट का यहां 60 की जगह 182 कर दे प्लस 365 कर दे अब आप समझो अगर यहां 182 है और यहां 182 प्लस 365 हो गया तो एक तरीके से ये वाली क्लॉज इनके लिए क्या होगी रिडेंडेंट होगी यानी एक ही क्लॉज रहेगी वन टू अगर वन टू ही पूरा हो गया थ्री सिक्सटी फाइव नहीं भी हुआ तो यह हो जाएगा और यहां भी वन दो टू है वो कह रहा है कि आप रेजिडेंट केवल तब होंगे जब आप इंडिया में एक सौ बयासी दिन वन हंड्रेड एंड टू डेज रहेंगे नाउ वाई इज दिस इंपॉर्टेंट चलिए कोशिश करके देखते हैं अब सोचिए दिस इज द फर्स्ट ऑफ अप्रैल एंड देन वी हैव थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च आप समझो अगर बंदा इस साल इंडिया छोड़ के जा रहा है उन दो पर्पज के लिए क्या होती है अभी करते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है एलिजिबलशिप क्या होती है दो मिनट छोड़ दो उसके लिए बाहर जा रहा है वॉट इज द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज क्लॉज क्या कहती है यह तो समझ में आ जाएगा पर क्यों कह रही है यह भी तो समझना जरूरी है यह पहली बात क्लॉज केवल इंडिया के सिटीजन के लिए लग रही है और क्या कहती है कि जिस साल आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं इस साल आपका रेजिडेंशियल स्टेटस जिस साल आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं केवल उस साल के लिए आपका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए हम आपको 182 डेज वाला क्लॉज देंगे इसका मतलब क्या हुआ अगर यह एक्सेप्शन ना होती अब सोचो एक बंदा इंडिया छोड़ के जाता है ऑन लेट्स से फर्स्ट ऑफ जून उसने इंडिया में जाने से पहले चार लाख रुपए कमाए और जाने के बाद यूएसए में डॉलर एक लाख रुपया कमाया अब समझो ये इससे पहले इंडिया में ही था यानी अगर मैं पिछले सालों की सारा डेटा लूं चार सालों का सात सालों का दस सालों का तो वो सात सौ तीस दिन भी पूरे हो रहे हैं और दो बटा दस रेजिडेंशियल स्टेटस दोनों पूरे हो रहे हैं और अगर वो वन सिक्स को इंडिया से जाएगा तो इंडिया में कितने दिन रहा अप्रैल प्लस मे प्लस जून 62 डेज हो गया अब 62 डेज हो गया और अगर हम दोनों कंडीशन चेक करें अगर हम दोनों चेक करें वन नहीं हुआ प्लस सिक्सटी हो गया थ्री भी हो जाएगा तो ये आर प्लस ओ बन जाएगा इस साल के लिए और अगर ये आर प्लस ओ बन जाएगा तो इसकी बाहर की इनकम पे भी इंडिया में हम टैक्स ले लेंगे क्योंकि आर प्लस ओ के लिए तो फॉरेन इनकम कोई भी हो उस पर इंडिया में टैक्स लगता है तो ये लोग तो इंडिया छोड़ के कब तक जाना चाहिए सोचो कि इनको टैक्स ना लगे तो इनको यहां पर 60 डेज पूरे नहीं करने थे 59 होते यानी 30 दिन अप्रैल के होते प्लस 29 डेज ऑफ मे यानी ट्वेंटी नाइन्थ मे को अगर इंडिया ना छोड़ा और उसके बाद छोड़ा तो आपको बाहर की इनकम पे भी इंडिया में टैक्स इस साल लग जाएगा अगले साल हो सकता है आप नॉन रेजिडेंट बन जाओगे क्योंकि आप इंडिया आओगे नहीं तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं करेंगे हम क्या करते हैं इनको फटाफट इंडिया छोड़ने पे मजबूर नहीं करते हैं इनको 182 डेज की कंडीशन दे देते हैं यानी ये इंडिया में वन एटी वन डेज भी रह गए तो भी ये इंडिया के नॉन रेजिडेंट होंगे क्योंकि इनके सिर्फ एक कंडीशन एप्लीकेबल है की फायदा दिया किसको दे रहे हैं इंडिया के सिटीजन को जो क्या कर रहा है इंप्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया जा रहा है एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन एलिजिबल शिप जा रहा है लेकिन पहले इसका इंप्लीकेशन समझे अब मुझे वो डेट चाहिए कौन सी डेट है कौन सी डेट है जिसको ये लोग इंडिया छोड़ के जाएंगे और नॉन रेजिडेंट रहेंगे तो हम 181 जोड़ते हैं 30 डेज ऑफ अप्रैल आ गए मे जून जुलाई अगस्त चलो इनको जोड़ें पहले जरा कितने दिन हो गए ऐड करो मेरे साथ कैलकुलेटर निकाल लो 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 153 डेज मुझे 181 पूरे करने हैं सो माइनस 181 कितने आगे 28 डेज यानी अगर वो 28 सितंबर को इंडिया छोड़ के जाता है तो उसके 181 डेज होंगे लेकिन अगर वो ट्वेंटी नाइन्थ सेप्टेंबर को इंडिया के बाहर जाता है तो ये वन एटी टू हो जाएंगे और वन एटी टू क्योंकि ट्वेंटी में माना जाएगा द डे ही विल बी ट्रीटेड इन इंडिया हो हो गए तो ये रेजिडेंट जाएगा और पिछले ये दो कंडीशन पूरी हो रही हैं तो ये ओ आर भी हो सकता है तो आप समझ रहे हैं ये फायदा दिया है कि इनके लिए ये 60 डेज वाली कंडीशन नहीं लगेगी सो वन एटी डेज तक ये इंडिया में रह सकते हैं फिर भी ये नॉन रेजिडेंट खिलाएंगे फॉर दैट इन विच द लीव इंडिया नाउ वोट अंडरस्टैंड इंप्लॉयमेंट के लिए बाहर जाना क्या होता है और एलिजिबलशिप क्या होती है तो मैंने यहां एक्सेप्शन सिटीजन ये एक्सेप्ट की बात अभी हम करेंगे लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द ईयर हमारा ईयर फॉर द पर्पज ऑफ इंप्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और एन इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया ऑन एन एलिजिबल वोआज इन दोनों में बेसिक कंडीशन केवल एक है वो फुलफिल हुई तो रेजिडेंट है नहीं हुई तो नॉन रेजिडेंट है यानी 60 प्लस वाली कंडीशन इस केस में नहीं देख रहे हैं समझ में आ रहा है क्या है वो तो आ रहा है क्यों है क्या वो समझ में आया ओके नाउ बेटा इसके लिए ये देखिए हम एक डायग्राम बनाते हम कहते हैं ये एक भाई साहब है ये इमिग्रेट कर रहे ना फॉर इंप्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया पर अभी हम बात करने जा रहे हैं वॉट इज फॉर इंप्लॉयमेंट एक बंदा होता है कहता है जी, मेरा, मेरा न्यूजीलैंड में भी बिजनेस है मेरा आना जाना लगा रहता है मैं आता जाता आता जाता रहता हूं तो जब मैं इंडिया के बाहर जाऊंगा एम आई लिविंग इंडिया फॉर इंप्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया नहीं 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 इन रिलेशन टू इंप्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया ना इंप्लॉयमेंट वर्ल्ड पे डिबेट हो जाता है बच्चे सोचते हैं इंप्लॉयमेंट का मतलब केवल एक ही होता है नौकरी बेटा ये किसी और की होगी यू आर इंप्लॉयमेंट मीन नॉट जस्ट इंप्लॉयमेंट फॉर समवन बट इट ऑल्सो इंक्लूड सेल्फ एंप्लॉयमेंट विच मीन्स बिजनेस और वर्क और एनी वे ऑफ अर्निंग मनी समझ गए मेरी बात सो फॉर एम्प्लॉयमेंट का यह मतलब नहीं है कि नौकरी करने बाहर जा रहा है ना बाहर जा रहा है पैसा कमाने जा रहा है अब कोई भी बंदा इमिग्रेट करता है आप यहां से लंडन या कनेडा या अमेरिका की पीआर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया आजकल फेमस है वहां जा रहे हैं जिस समय जा रहे हैं मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जिस समय जा रहे हैं एट दैट मोमेंट देर इज नो प्रेजेंट इंटेंशन ऑफ कमिंग बैक टू इंडिया यानी वापस आने का आपका उस समय कोई इरादा नहीं है तो बच्चे पूछते हैं सर मुझे ये ये बताओ एक बात आप बातें बोली जा रहे हो ये गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा अच्छा मेरे यहाँ ना देखो हमारे यहां मुझे पता है ऐसा होता है पर हमारे देश में बोलता कौन है खासकर पंजाब में तो गवर्नमेंट बोलते हैं कनेडा बोलते हैं <laughs> अमरीका बोलते हैं तो थोड़ी बहुत ही नोटंकी हम भी करेंगे हम भी बोलेंगे हमारे लिए गवर्नमेंट होगी गवर्नमेंट आई नो इट साउंड बेटर बट वी विल कॉल इट गवर्नमेंट इट इज़ फन टू कॉल इट गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट कैनेडा अमेरिका मेरे को भी बोलना आता है पर हम उसको बोलेंगे कनेडा अमेरिका और गवर्नमेंट ठीक है तुम भी बोलो अच्छा लगेगा थोड़ा हंस लोगे तो ये जो छोड़ के जा रहा है कनेडा या अमेरिका वो जब जा रहा है उस समय उसका प्रेजेंट इंटेंशन वापस आने का नहीं है ये कैसे पता चलेगा बेटा वीजा लगता है समझिए आप इंडिया के बाहर ऐसे नहीं उठ के जा सकते वीजा लग लगवाना पड़ेगा उस वीजा में टूरिस्ट वीजा है इंप्लॉयमेंट वीजा है इमिग्रेशन वीजा है सारी बातें अलग अलग होती हैं अगर टूरिस्ट वीजा है तो ये क्लॉज नहीं लग रहा है इंप्लॉयमेंट वीजा है इमिग्रेशन वीजा है तो ये क्लॉज लग रहा है यानी ये जो इंप्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया की बात हो रही है ये परमानेंटली बाहर जा रहा है जब जा रहा है तो परमानेंटली जा रहा है हो सकता है छह महीने बाद मन नहीं लगा वापस आ गया वो बात अलग है पर जब गया था कौन सा वीजा लगवा के गया था या इंप्लॉयमेंट वीजा लगवा के गया था या इमिग्रेशन वीजा समझ में आ गई बात सिर्फ इन लोगों के लिए हम एक्सेप्शन दे रहे हैं वो भी केवल अगर इंडिया के सिटीजन है जब सवाल करेंगे ये सारी बातें आएंगी पर मेरा मानना है यू नो मोस्ट ऑफ फास्ट वॉट वी डन ऑल थ्रू आर लाइफ इवन इन अकाउंट्स आई एव सीन जब मैंने मेरी अपनी नॉन मेडिकल से मैंने करा था ग्यारहवीं बारहवीं और मैं सीधा बी में आया और उस समय हमारे टाइम पे प्लीज फाउंडेशन होता ही नहीं था हाँ थोड़ा सा पुराना जमाना जरूर है यंग एंड <laughs> जब बी में आया तो सीधा सवाल कराने शुरू कर दिया मुझे यह नहीं समझ में आती थी बी आर स्टेटमेंट में ये ऐड क्यों हो रहा है ये माइनस क्यों हो रहा है मैं पल्ले ही नहीं पड़ती थी बात किसी ने बैठ के मुझे लॉजिक नहीं समझाया लोग कहते हैं सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के क्वेश्चन होने चाहिए अरे इतने कराऊंगा सौ क्वेश्चन होंगे कॉन्सेप्ट का पर प्रॉब्लम क्या है अगर हम क्वेश्चन से शुरू करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका जम्बल अप होगा वॉट इज प्रैक्टिकल इट इज नथिंग बट अ प्रैक्टिकल सिचुएशन ऑफ अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तो किताब में लिखे किताब में क्वेश्चन थोड़े लिखे किताब में तो थ्योरी लिखी है अगर मेरे दिमाग में थ्योरी क्लियर होगी तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो दो मिनट में सॉल्व होगा उसमें मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए तुम्हें अपने सामने कराऊंगा क्लास में लेकिन उस समय क्वेश्चन आप करेंगे मजा तो तब आएगा ना बेटा पेपर तो आपने देना है मेरे पास तो डिग्री है है ना और भगवान की दया से आपको भी मिलेगी तो आपको क्या मेरे साथ पेशेंस रखनी है के समय क्लैरिटी रखो एक एक चीज आराम आराम से समझाऊंगा मैं तुम भी उसको समझो एक बार वो समझ में आ गई याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए मैं इतनी बार बोलूंगा क्लास में वो याद हो जानी चाहिए थोड़ी बहुत ही बात मेरी मानोगे ऐसा हो रहा है कि नहीं नी से इंप्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया हमने बात करी अब अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है तो हमने केवल 182 एट्टी टू देख रहे हैं क्यों देख रहे हैं ताकि उस साल के लिए वो नॉन रेजिडेंट हो सके छह महीने लगभग इंडिया में रह भी गया तो भी नॉन रेजिडेंट हो जाएगा और उसकी बाहर की इनकम पे हम इंडिया में टैक्स नहीं लेंगे ये एक फायदा दिया हमने इंडियन सिटीजन दूसरा आया लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द ईयर ऑन एन एलिजिबल वॉयज अच्छा अब आप समझ के चलो इस धरती पर इंटरनेशनल ट्रेड होता है ये वर्ल्ड आ गया इंडिया एक छोटी सी देश यहां पर है बहुत सारे देश हैं पर अगर हम पूरे उसमें विश्व में देखें वर्ल्ड में देखें तो द दे वर्ल्ड इज मेजरली फिल्ड विद वाटर यानी इस वाटर में बहुत सारे जहाज चलते हैं बहुत सारे जहाज चलते हैं जो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं अमेरिका से गुड्स इंडिया आ रहे हैं आप इंपोर्टेड गुड्स जूते पहनते हैं बाहर के ये कैसे आते है? हैं गाड़ियां आ रही हैं बाहर से ये हवाई जहाज से नहीं आ सकती बेटा हवाई जहाज से बहुत बल्कि गुड्स नहीं आ सकते हैं रेल का कनेक्शन बहुत सारे देशों के साथ इंडिया का नहीं है रोड का कनेक्शन तो और भी कम है तो मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन जाता है वाटर। अब इस जहाज को चलाने के लिए वी नीड पीपल और आप देखेंगे बड़े बड़े जहाज होते हैं बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं तो देख लेते हैं लड़स लुक अब आप ये देखिए ये बहुत बड़े बड़े जहाज हैं जिस पे गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं ये देखो बहुत सारे कंटेनर हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको खोल लेते हैं गूगल बाबा को ये कंटेनर शिप्स बोलते हैं इनको ये क्रूज शिप्स होगी ये ऑयल रिग्स हैं ये तीनों बातें आपके दिमाग में अभी इनकम टैक्स में यूज़ होंगी ये देख रहे हैं डब्बे डब्बे हैं बहुत सारे इन डब्बों के अंदर बहुत सारा सामान भरा हुआ है इनको बोलते हैं कंटेनर और ये शिप्स पे हैं इनको पूरी शिप पे दस या बारह लोग होंगे जो इस शिप को चला रहे हैं उसी तरीके से इसको बोलते हैं क्रूज शिप यहाँ पर घूमने के लिए इंजॉयमेंट के लिए वेकेशन के लिए अमीर लोग जाते हैं और ये है ऑयल रिग जहाँ पर ड्रिलिंग हो रही है तेल की वहां पर ऐसा पानी में एक मशीन लगी हुएगी जहाँ पर धरती में नीचे पानी के नीचे जहाँ जमीन है वहां से तेल निकलेगा और उसको ऑब्वियसली हम बाद में यूज करेंगे सो दीज आर थ्री वर्ड्स दैट यू विल नीड टू नो नाउ लेट अस रिज्यूम अस सी व्हाट ही इज ट्राइंग टू से ही सेज अगर ये जहाज ना चलें तो इंटरनेशनल ट्रेड बंद हो जाएगा अब सोचो

जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं अब मर्चेंट नेवी वाले ये जो लोग हैं इनको कैसे हम इंसेंटिवाइज करें तो आपको पता होगा इनको इनको बहुत पैसा मिलता है इनको है लगभग जो कैप्टन होता शिप इंसेंटिंग दस कम से तेरह कम लाख रुपया महीना मिलता है कई लोग तो यहां बोल रहे हैं सर हम कहां फंस गए हमें भी तो यही जाना चाहिए था अच्छा बेस्ट पार्ट क्या है जब ये पैसा कमा रहे हैं चलिए इसको जब ये पैसा कमा रहे हैं आप समझे

अगर इंडिया में 60 डेज भी रह गए और पिछले चार सालों में 365 हो गए तो ये क्या हो जाएंगे रेजिडेंट और 730 हो गए और टू ऑन टेन हो गया तो ओआर हो जाएंगे तो हमने बोला हमें इनकी इनकम को एग्जेम्ट रखना है इनकी इनकम पे टैक्स नहीं लेना है तो इन लोगों को बोला कि अगर आप करंट ईयर में सेल कर रहे हैं आप एक्टिवली काम कर रहे हैं आपने कोई ऐसी शिप ज्वाइन करी जो इंडिया से बाहर गुड्स लेके जा रही है या आप यहां से जहाज़ में बैठे और आप कहीं बाहर गए आपने वहाँ शिप करी और उस शिप को आप आप इंडिया इंडिया ला रहे हैं यानी के साथ कोई रिश्ता भाई आप या तो इंडिया से शिप बाहर में आपने दोनों में से कोई एक काम करा आई द शिप वॉज सेलिंग फ्रॉम इंडिया और इट वॉज कमिंग टू इंडियाबल वॉयज मीन जर्नी ट्रिप समझ गए बात को अब ऐसा अगर आपने करा तो आपके लिए 60 डेज नहीं देखेंगे आपके लिए केवल 182 डेज देखेंगे अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी इसका मतलब यह हुआ कई लोग आपको मिलेंगे मर्चेंट एवी में अगर आपकी जान पहचान में है वो क्या करते हैं छह महीने सेल करते हैं और इंडिया में छह महीने रहते हैं गोल्फ खेलते हैं कोई काम नहीं करते हैं क्योंकि छह महीने में उन्होंने दस लाख भी अगर कमा लिए साठ लाख रुपए हो गए अब इस साठ लाख पे अगर इंडिया में कोई बंदा पैसा कमाए और टैक्स लगता है ना तो आप लगभग लगा लो तीस परसेंट अठारह लाख रुपए तो टैक्स लग जाएगा लेकिन ये लोग क्या करेंगे ये इंडिया में वन एटी वन डेज रहेंगे सिर्फ पूछो क्यों पूछो क्यों अरे बताओ क्यों क्योंकि इनके लिए वन एटी वन डेज की वजह से यह क्या हो जाएंगे नॉन रेजिडेंट यानी ये वन एटी फाइव डेज इंडिया के बाहर रहेंगे आउटसाइड इंडिया 184 कर लेते हैं क्योंकि यह लिपियर नहीं है उटसाइड इंडिया देख छा बेटा में रहकर क्योंकि नहीं है तो ये फॉरन रिसीट पे इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ताकि ये लोग मर्चेंटी ज्वाइन करें और सेल करें और बाहर के गुड्स इंडिया लाए इंडिया के गुड्स बाहर लेके जाए और इंटरनेशनल ट्रेड चलता रहे तो आपको समझ में आया बट ये बंदा कौन है ये इंडिया का सिटीजन है फॉरेन सिटीजन के लिए हम ये एक्सेप्शन नहीं दे रहे हैं इस शिप पे अगर कोई फॉरेन का सिटीजन है और इंडिया आता है तो उसको हम इंडिया में मान लेंगे फॉर डेज की कंडीशन लगा के चेक करेंगे ना कि केवल डेज की तो आप पेज ट्वेंटी खोलिए द मोमेंट दिस पीपल ज्वाइन मोर्च ने एक इनका सी डी सी कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक किताब होती है बेटा इनकी उसमें मेंटेन करते हैं इन्होंने कौनसीडेट शिप ज्वाइन करी कौनसीडेट शिप से इनको डिस्चार्ज हुआ ये सारा डेटा यहां मिलता है तो इसको समझते हैं क्या लफड़ा हुआ लेट्स से दिस इज इंडिया एंड एक भाई साहब थे जिन्होंने ये शिप ज्वाइन करी अब यहां पानी है आपको पता है अच्छा पानी को भी हमने डिवाइड कर दिया एक हो गया इंडिया का पानी जो हो गया टेरिटोरियल वाटर्स और एक हो गया इंटरनेशनल पानी अब वो इंडिया में लैंड पर वन एटी वन डेज रहा इंडिया के पानी में तीस दिन रह गया ठीक है जी और वन फिफ्टी फोर डेज इंटरनेशनल पानी में रहा अब हमारा जो मुच्छड़ है मुच्छड़ कहता है भाई सुन तूने शिप ज्वाइन कर ली तूने शिप जब ज्वाइन कर ली शिप यहां पर एंकर थी पार्क नहीं बोलेंगे बेटा एंकर्ड थी इन टेरिटोरियल वाटर्स क्या कर रहे थे लोडिंग चल रही थी बेटा अब जब लोडिंग चल रही है अनलोडिंग चल रही है आप तो ऑब्वियसली शिप पे देखभाल कर रहे हो आप ही ने तो करवास तो दिन को उसने इंडिया में मान लिया कहता जी, 181 प्लस 30, तेरे तो मोर भाई की सैलरी जो फॉरन में कमाई उसने के ऊपर इंडिया में टैक्स लग गया पूरा ये तो रोने लग गया कहता यार, ये क्या लफड़ा हुआ मैंने तो काम के सिलसिले में शिप पे काम करा कहता नहीं नहीं तू इंडिया के टेरिटोरियल वोटर्स में तो मुझे बताओ क्या इसने कुछ गलत बोला ऑफिसर ने हमारे ने कुछ गलत काम तो नहीं किया वो तो अपना लॉ पढ़ रहा है उसका कार्य है रिप्रेजेंटेशन टू मिनिस्टर सर कुछ करो अब फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉ फाइनेंस मिनिस्टर ने पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया विल नॉट इंक्लूड ध्यान दो बेटा द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया विल

यहां पर उसने ज्वाइन करने से पहले सी में एंट्री करवाई फिर तीस दिन इंडिया में रहा और यह बाहर रहा अब इसको आप इंडिया में नहीं मानोगे ऐसा गवर्नमेंट ने बोल दिया ताकि ये गड़बड़ ना हो जाए सो so अगर हम इसका क्वेश्चन करें बेटा ही सेस मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन अच्छा यह बहुत जरूरी है ना एंड अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ अ सिंगापुर बाउंड इंडियनशिप जब पढ़ो क्वेश्चन को आराम आराम से एक एक लाइन पढ़ो और जहां समझ में ना आए आगे नहीं भागना है रुक जाना है वहीं पर मेन मुद्दा होगा हम लोगों की आदत होती है जो लाइन ना समझ में आए ना आगे निकल जाते हैं अरे नहीं वो नॉवल पढ़ते समय सही है कि थोड़ी कहानी में सो जाएगी पर यहां पर सवाल पढ़ते समय बिल्कुल सही नहीं है सो वी से अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ अ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप अच्छा एक बात सुनो आपने नोटिस करा है व्हेन आई एम टीचिंग आई एम यूजिंग अ लॉट ऑफ हिंदी समटाइम्स आई यूज अ लॉट ऑफ Um, वो कहते हैं ना uh, हिंदी के कठिन शब्द यूज कर रहा हूं वैसे ही मजाक के तौर में पर मेरा आइडिया है आपको सरल भाषा में समझाऊं बट एट ऑफ द डे द क्वेश्चन टू बी इंग्लिश सो योर माइंड टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेटा मैं आपको हिंदी में समझा के सवाल इंग्लिश में पूछूंगा ताकि आपको आदत पड़ जाए बिकॉज देर आर सर्टन वर्ड्स दैट आर यूज इन द क्वेश्चन

एंगेज इन कैरेज ऑफ पैसेंजर्स इन इंटरनेशनल ट्रैफिक डिपार्टिंग फ्रॉम चेन्नई पोर्ट चाइना नहीं है ये चेन्नई अपना ही है इंडिया से बाहर जा रही है ऑन सिक्स जून ट्वेंटी पहले तो लाइन समझो छह जून को इंडिया से बाहर जो शिप जा रही है उसको उसने ज्वाइन कर लिया फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर डिटर्मिन द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असैसमेंट ईयर ट्वेंटी टू यानी प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन सेम बात है इन द लास्ट फोर इयर्स प्रिसीडिंग दस इज फोर हंड्रेड डेज यानी तीन सौ पैंसठ दिन पूरे हो गए हैं एंड लास्ट सेवन ईयर इज सेवन फिफ्टी डेज यानी वो भी कंडीशन पूरी हो गई है ये कहना नहीं इसने बोला नहीं पर कहना यह भी चाहता कि टू ऑन टे भी हो गए अब डेट एंटर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप इज दिस एंड डेट एंटर्ड इंटू इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ इज दिस अब इसके बीच का जो स्टे है वो इंडिया में नहीं है तो इसको गिनते हैं जून में तीस दिन होते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पांच दिन इंडिया में नहीं नहीं पांच दिन था छह तरीक से इंडिया में नहीं है तो कितना हो गया पच्चीस दिन जून के जुलाई के अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर नौ दिसंबर में नौ पूरे लेने क्योंकि यह भी इंडिया में नहीं माना जाएगा अब इसको टोटल कर लेते हैं ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी वन प्लस थर्टी वन प्लस थर्टी प्लस थर्टी वन प्लस थर्टी प्लस नौन डेज वन सेवन डेज आउटसाइड इंडिया माइनस थ्री सिक्सटी फाइव वन एट डेज इन इंडिया अब हम इस पे बेसिक कंडीशन लगाते हैं सिक्सटी प्लस थ्री सिक्सटी फाइव देखना ही नहीं है सिर्फ वन एटी टू देखना है तो यह क्या हो गया ट ऑफ इंडिया आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू एक छोटा सा पॉइंट इसके ऊपर क्वेश्चन और हैं जो हम यहां पर करेंगे वी विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन आफ्टर वी डन द लॉ इसके लिए हम अभी दो बातें और करेंगे हुआ क्या हुआ क्या अब आप छोट छोटी छोटी बातें और समझो इंटरनेशनली जो लोग बाहर डॉलर यूरो पाउंड कमा रहे हैं वो ये पैसा इंडिया भेज में यहां पर किसी बैंक में रख सकते हैं अब ये नॉर्मल बैंक नहीं है क्योंकि इंडिया में तो रुपया चलेगा अपना डॉलर तो चलता नहीं कभी दुकान में जाके डॉलर दिया तुमने नहीं चलेगा तो रुपया जो चलेगा ये कैसे आएगा तो एक अकाउंट होता बेटा एन आर ई अकाउंट नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट यानी ये मेनटेन विद बैंक इन इंडिया है पर ये फॉरेन करेंसी में होगा अब जब आपने इस अकाउंट से बाहर पैसा निकालोगे तो वो रुपया मिलेगा और एक आपका अकाउंट होता है एनआरओ अकाउंट नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट यानी इससे पैसा जब आपने ट्रांसफर करना है रुपीज में फिर आप यहां से कैश विड्रॉ कर सकते हैं बेसिक लॉजिक ये इस एनआरई अकाउंट पे धीरे धीरे तुम्हें बताऊंगा सेक्शन टेन फोर में जो ब्याज आपको मिलता है उसको एक्जेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट क्यों एक्जेम कर रही है यू नो जब भी कोई चीज देखो कोई बेनिफिट दे रहे हैं हमेशा याद रखो गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए देगी बेनिफिट बहुत कम केसेस में मिलेगा कि तुम्हारे फायदे के लिए होगा गवर्नमेंट कहती है डॉलर लाओ हमारे बैंकों में रखो आरबीआई को मिलेगा आरबीआई के फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जैसे बढ़ेंगे जब हमने जाके कोई परचेस करनी है हमारे पास डॉलर पड़े होंगे हमें डॉलर खरीदने नहीं पड़ेंगे अगर हम डॉलर खरीदेंगे नहीं हमारे पास पड़े हुए हैं तो डॉलर की डिमांड हमारी उतनी ज्यादा नहीं होगी तो इंडियन रूपी की रेट वीजा वीजा डॉलर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा ऐसी सोच है फिर भी आप देख रहे हैं बहुत फ्लक्चुएट करता है तो टेन फोर में इंटरेस्ट ऑन एनआर अकाउंट एग्जेप्ट करा गया अब हुआ क्या हुआ क्या ये इंटरनेशनल वाटर्स में हमने 182 एटी डेज वाली सारी बात कर ली ये बंदा इंडिया में 181 एटी डेज था जो केस की बात मैं कर रहा हूं और 184 एट्टी डेज इंडिया के बाहर था तो ये नॉन रेजिडेंट हो गया परंतु हुआ क्या जो पेमेंट इसको आनी है एक तो बाहर हो रही है जो पेमेंट आनी है इसके एम्प्लॉयर ने इसके एनआरई अकाउंट में इंडिया में जमा करा दी लो जी मुच्छड़ का फिर देखो मुच्छड़ तो ऐसे मौकों की वेट ही कर रहा होता है ने क्या बोला कहता भाई सुन फिर फंस गया तू अब ये रिसीव्ड इन इंडिया होगी और ये इंडियन रिसीट होगी और अगर इंडियन रिसीट होगी तू नॉन रेजिडेंट है तो भी तो इंडिया में टैक्सेबल होगी चल ला टैक्स दे ये बेरहम आदमी है ये नहीं देखेगा कि लॉ का इंटेंशन क्या था ये तो कह रहा मेरा टैक्स पूरा कर तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी तुम्हें मैंने कराया था ना कि देर आर सर्कुलर्स मेंबर अ सर्कुलर इशूड बाई सीबीडी आर यू लिसनि टू मी सीधा सोना नहीं है सीधा सीधा इधर देखो हाँ वेरी गुड अब बताओ सर्कुलर क्या करता है डज इट चेंज द लॉ डज इट क्लैरिफाई द लॉ क्लैरिफाई द लॉ और कौन इशू करता है सीबीडीटी क्या ये सर्कुलर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों पर बाइंडिंग है बिल्कुल बाइंडिंग है क्या वो इसके अगेंस्ट जा सकते हैं नो no. तो इनकम टैक्स के मुच्छ को सीबीडीटी ने बोला लुक भाई सुनो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऐसा नहीं चाहती है तो सुनो बेटा ऐसा मत करो उन्होंने बोला इनकम बाय वे ऑफ सैलरी रिसीव्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट सी रिसीव रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया ऑन बोर्ड फॉरन शिप्स इज सब्जेक्ट टू टैक्स इन इंडिया फॉर द रीजन दैट द सैलरी हैज बीन रिसीव बाय द सी फेयर सी फेयर नेवी का बंदे को बोलते हैं इन टू एनआरई बैंक अकाउंट मेंटेन्ड इन इंडिया बाय द सी में On receiving representations in this regard, the CBDT has examined the manner it noted that Section 5 of the Income Tax Act provides that only income of a non resident subject to tax in India that is either received or is deemed to be received in India. Accordingly, CBDT has clarified that salary accrued to a non resident for services rendered outside India on a foreign going ship with Indian flag or foreign flag. शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम मेयरली बिकॉज द सेट सैलरीटेड इन दर ई अकाउंट विद एन इंडियन बैंक तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो सिर्फ इंडिया में रिसीव होने की वजह से हम उसको रिसीव नहीं मानेंगे इंडिया में इसको फॉरन रिसीट रहने देंगे और अगर ये फॉरन रिसीट है तो आपके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी आप देख रहे हैं कि हम सी फेयर को बचा के उनका टैक्स नहीं ले रहे हैं और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्ट कंट्रीज विल डू दिस ताकि इंटरनेशनल ट्रेड चलता रहे हमने अब क्या कर लिया चलिए आइए देखें लेट्स गो बैक लेट्स गो बैक वापस पेज पलटो आजो वाजो। अब हमने यहां तक एक्सेप्शन कर लिए अब एक ये जो एक्सेप्शन है ये डिटेल में करनी पड़ेगी क्योंकि इस पे है अमेंडमेंट तो लेट्स स्टार्ट विथ दैट नो